हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नेशनल पावर एंड इट्स मीनिंग एंड फीचर्स। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पावर इंटरनेशनल रिलेशंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल रिलेशंस को स्ट्रगल फॉर पावर भी माना जाता है, और ये पॉलिटिक्स का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। चाहे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, पावर ऑलवेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम मोर एंड मोर पावरफुल सो दैट दे कैन फुलफिल देयर इंटरेस्ट। इंटरनेशनल स्फेयर में एक स्टेट का स्टेटस उसकी सिविलाइजेशन या कल्चर से डिटरमाइन नहीं किया जाता, बल्कि उसकी पावर से डिटरमाइन किया जाता है। नेशंस को कैटेगराइज किया जाता है एज बिग पावर्स या स्मॉल पावर्स। तो नेशनल पावर जो होती है, ये एबिलिटी या कैपेबिलिटी होती है एक राष्ट्र की, एक नेशन की, अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सिक्योर करने की। हर स्टेट के अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, और उन नेशनल इंटरेस्ट के गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को वो स्टेट्स थ्रू द यूज ऑफ नेशनल पावर अचीव करते हैं। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द कैपेसिटी टू यूज फोर्स और थ्रेट ऑफ द यूज ऑफ फोर्स और इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स फॉर सिक्योरिंग द गोल्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल पावर में ये भी आता है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के गोल्स को अचीव करने के लिए क्या एक देश के पास कैपेसिटी है कि वो फोर्स को यूज कर सके, या फोर्स को यूज करने का थ्रेट दे सके, या दूसरे देशों पर अपना इन्फ्लुएंस डाल सके। ये कैपेसिटी भी नेशनल पावर में आती है। तो नेशनल पावर की स्टडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस का, क्योंकि इसी के थ्रू जो देश हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं। नेशनल पावर के मीनिंग को समझने से पहले पावर को समझते हैं। मॉर्गेंथो के अकॉर्डिंग, पावर इज द मैन्स कंट्रोल ओवर द माइंड्स एंड एक्शंस ऑफ अदर मैन। मॉर्गेंथो ने डिफाइन किया है पावर को कि पावर एक इंसान का दूसरे इंसानों के माइंड्स और एक्शंस पर कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी है। वहीं शॉजनबर्जर ने इसको डिफाइन किया है एज द कैपेसिटी टू इम्पोज वन्स विल ऑन द अदर्स। शक्ति जो है, ये कैपेसिटी है अपनी इच्छा दूसरों पर लागू करने की या इम्पोज करने की। तो पावर तो हो गया सॉर्ट ऑफ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं कि नेशनल पावर क्या होता है। हार्टमैन के अकॉर्डिंग, नेशनल पावर डिनोट्स द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू फुलफिल इट्स नेशनल गोल्स। नेशनल पावर एक देश की एबिलिटी है अपने राष्ट्र हितों को फुलफिल करने की या उन्हें पूरा करने की। इट टेल्स अस एज टू हाउ मच पावरफुल और वीक अ पर्टिकुलर नेशन इज इन सिक्योरिंग इट्स नेशनल गोल्स। इससे हमें ये पता चलता है कि एक देश कितना ज्यादा पावरफुल है या वीक है अपने नेशनल गोल्स को सिक्योर करने में। अगर एक देश पावरफुल है तो वो अपने नेशनल गोल्स को इजीली अचीव कर पाएगा, उन्हें फुलफिल कर पाएगा। वहीं अगर एक कंट्री वीक है तो उसके लिए उन गोल्स को अचीव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं पैडलफोर्ड और लिंकन के अकॉर्डिंग, नेशनल पावर इज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ पावर एंड कैपेबिलिटी ऑफ अ स्टेट व्हिच द स्टेट यूजेस फॉर फुलफिलिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड गोल्स। पैडलफोल्ड और लिंकन का मानना है कि नेशनल पावर पावर और देश की कैपेबिलिटी का वो कॉम्बिनेशन है जो एक स्टेट यूज करती है अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए और अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए। तो इन सब डेफिनेशंस के बेसिस पे हम ये क्या कह सकते हैं कि नेशनल पावर जो है, ये एक देश की एबिलिटी होती है या एक देश की क्षमता होती है अपने गोल्स को अचीव करने की और अपने राष्ट्र हितों को फुलफिल करने की इन रिलेशन विद अदर कंट्रीज। और इसमें यह भी आता है कि क्या एक देश के पास कैपेसिटी है फोर्स को यूज करने की या दूसरे देशों पर प्रभाव डालने की अपने नेशनल इंटरेस्ट की फुलफिलमेंट के लिए। तो ये होता है नेशनल पावर का कॉन्सेप्ट। और इस स्ट्रगल फॉर पावर की वजह से देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, और साथ ही साथ उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने की प्रक्रिया भी चलती है। और इसी प्रकार जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो वर्क करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड फोर्स। क्या ये सेम है या क्या ये एक दूसरे से अलग है? तो फोर्स का मतलब तो होता है फिजिकल फोर्स या वायलेंस,
जैसे कि इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पुलिस एक्शन, किसी को इम्प्रिजन करना, किसी को पनिश करना या वॉर। तो ये एक फिजिकल फॉर्म में होती है। वहीं जो पावर है वो एक साइकोलॉजिकल फॉर्म में होती है। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कंट्रोल का, जैसा कि हमने पिछली डेफिनेशंस में देखा दैट इट्स द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ अदर्स। दूसरों के माइंड को इन्फ्लुएंस किया जाता है, उन्हें कंट्रोल किया जाता है अपनी बातें मनवाने के लिए, और अपनी बातें मनवाने के लिए फोर्स का सहारा लिया जा सकता है या थ्रेट दिया जा सकता है फोर्स को यूज करने का। तो इस प्रकार ये एक दूसरे से डिफरेंट है। फोर्स फिजिकल फॉर्म में होती है और जो पावर है वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। और जब फिजिकल फोर्स का सहारा लिया जाता है, जैसे कि वॉर हो गई या मिलिट्री पावर का यूज हो गया या पुलिस पावर का यूज हो गया, और फिजिकल फोर्स को यूज कर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है, तब पावर वहां रिप्लेस हो जाती है फोर्स से, क्योंकि यहाँ पर सहारा लिया जाता है किस चीज का, फिजिकल फॉर्म का। तो ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन पावर और फोर्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ नेशनल पावर। इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि नेशनल पावर कितना जरूरी है इंटरनेशनल रिलेशंस में। नेशनल पावर इज बोथ अ मींस एज वेल एज एन एंड इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इस पॉइंट को हम पहले भी समझ चुके हैं मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस वाली वीडियो में। इंटरनेशनल रिलेशंस में नेशनल पावर मींस भी है और एंड भी है। और वो कैसे है? हर देश एट द एंड ऑफ द डे पावरफुल बनना चाहता है, राइट? तो वहां पर पावर क्या हुई? पावर हो गया एक एंड। हर देश का एंड है या गोल है पावरफुल बनना। और पावरफुल बनने के लिए वो किस चीज का यूज करता है? वो यूज करता है पावर का ही, अपनी नेशनल पावर का यूज करके वो और पावरफुल बनना चाहता है। तो वहां पर नेशनल पावर बन जाती है मींस। सो नेशंस यूज पावर टू सिक्योर देयर इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस, लेकिन नेशंस आल्सो वांट पावर फॉर देयर फ्यूचर नीड्स। तो इसलिए अंत तक वो पावर को परस्यू करते रहते हैं। नेशनल पावर इज द एबिलिटी टू सिक्योर गोल्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ये देश की एक एबिलिटी होती है अपने नेशनल इंटरेस्ट के गोल्स को अचीव करने की। नेशनल पावर का यूज करके ही नेशंस दूसरे देशों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या उन्हें चेंज कर सकते हैं अपने फेवर में। एक देश की नेशनल पावर को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ क्या उसमें कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को इंटरनेशनल रिलेशंस में सिक्योर करने की। थर्ड फीचर इज दैट नेशनल पावर इज डायनेमिक एंड रिलेटिव इन कैरेक्टर। नेशनल पावर जो है वो डायनेमिक होती है, ये हमेशा चेंज होती रहती है, इसलिए ये रिलेटिव है कैरेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आज एक देश पावरफुल है तो कल भी वो पावरफुल रहेगा। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग और एक देश की रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, इसलिए नेशंस की पावर को फ्रॉम टाइम टू टाइम एनालाइज किया जाता है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो 1962 की जो चाइना के साथ हमारी वॉर हुई थी, उसके बाद भारत की नेशनल पावर में गिरावट आई थी, लेकिन 1965 और 1971 की वॉर्स ने भारत की नेशनल पावर को एक बूस्ट दिया। तो इसीलिए ये समय और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट देयर आर सेवरल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। नेशनल पावर के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ये ऐसे एलिमेंट्स या डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम एक देश की नेशनल पावर का पता लगा सकते हैं। नेशनल पावर को मेजर करने के लिए इन एलिमेंट्स को एनालाइज किया जाता है। और ये एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि ज्योग्राफी, एक देश की पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, डिप्लोमेसी, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस या क्वालिटी ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नमेंट। इन एलिमेंट्स को हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नो टू नेशंस कैन हैव इक्वल पावर। कभी भी दो देशों के पास बिल्कुल इक्वल पावर नहीं हो सकती है। एक देश हमेशा थोड़ा ज्यादा पावरफुल होगा, एक थोड़ा कम पावरफुल होगा। रफ इक्वालिटी जरूर हो सकती है दो सुपर पावर्स के बीच में या बिग पावर्स के बीच में, लेकिन बिल्कुल सेम और इक्वल होना पावर में, ये इम्पॉसिबल है। देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअल पावर एंड पोटेंशियल पावर। एक्चुअल पावर क्या होती है? पावर जो एक देश के पास इमीडिएटली अवेलेबल है, और पोटेंशियल पावर वो पावर है जो कि
क्राइसिस के टाइम में जेनरेट की जा सकती है या इन टाइम्स ऑफ नीड उसे जेनरेट किया जा सकता है, वो इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होती है। तो एक्चुअल पावर में तो एक देश की रिसोर्सेज आ जाती हैं जो उसके पास इमीडिएटली अवेलेबल हैं, और पोटेंशियल पावर में आ सकते हैं ऐसे आर्मामेंट्स जो कि क्राइसिस के सिचुएशन में या इमरजेंसी में जेनरेट करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज दैट नेशनल पावर इज द करेंसी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होता है, इट्स अ स्ट्रगल फॉर पावर, और जो ये स्ट्रगल फॉर पावर है इसके नेचर को हम प्रॉपरली एनालाइज तभी कर पाते हैं अगर हम डिफरेंट डिफरेंट नेशंस की नेशनल पावर का एनालिसिस करें। इनफैक्ट जो देश का सबसे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट होता है वो होता ही है कि अपनी पावर को मेंटेन रखना और उसे इंक्रीज करना, क्योंकि पावर एक जरिया है एक देश की नीड्स को या एस्पिरेशंस को फुलफिल करने का, और नेशनल पावर के एनालिसिस के बेसिस पर ही हम एक देश की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंस को असेस कर सकते हैं। नेशनल पावर इज द बेसिस एज वेल एज द मीन्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। यहाँ तक कि एक देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो भी एक देश की नेशनल पावर के बेसिस पर ही डिजाइन की जाती है। सिर्फ वही फॉरेन पॉलिसी इफेक्टिव होगी जो कि एक प्रॉपर नेशनल पावर द्वारा बैक की जाएगी। एक देश के जो गोल्स होते हैं नेशनल इंटरेस्ट के, वो फॉरेन पॉलिसी के थ्रू ही अचीव किए जाते हैं। फॉरेन पॉलिसी, नेशनल पावर और नेशनल इंटरेस्ट के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एक देश अपने नेशनल इंटरेस्ट बना तो लेता है, उसे डिसाइड तो कर लेता है, लेकिन उसे अचीव कैसे करेगा? उसे वो अचीव इंटरनेशनल लेवल पे करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करके, और वो फॉरेन पॉलिसी डिजाइन किस बेसिस पे की जाती है? जितनी उस देश के पास नेशनल पावर है। और यहाँ तक कि जो देश के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं या राष्ट्रहित होते हैं वो भी एक देश की जितनी नेशनल पावर है उसी के बेसिस पर डिसाइड होते हैं। तो ये तीनों फैक्टर्स आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ऑल्सो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ नेशनल पावर। नेशनल पावर की कई प्रकारें हैं जिसमें आती हैं मिलिट्री, इकोनॉमिक पावर या साइकोलॉजिकल पावर, और यही रहने वाला है हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक। वील बी डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ नेशनल पावर इन आर नेक्स्ट वीडियो। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने नेशनल पावर समझी, इसको हमने कंपेयर किया फोर्स के साथ, और इसके फीचर्स के थ्रू हमने इसे और अच्छे से जाना कि इंटरनेशनल रिलेशंस में नेशनल पावर कितनी इम्पॉर्टेंट है। एक देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को तभी अचीव कर पाता है अगर उसके पास नेशनल पावर हो, एंड इट इज ऑल्सो द करेंसी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस इन्वॉल्व्स द स्ट्रगल फॉर पावर। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।